हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको दो एप्लीकेशन करवा दिए थे। और जो सेकंड एप्लीकेशन था उसमें आपको फाइंड करना पड़ता था डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू आपको गिवन दिया हुआ था। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना था, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया जाएगा तो आपको डेल जी या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ दीज कंपाउंड AgNH3 हॉल्ट वाइज, इसको अपन टोलेन रिएजेंट भी बोलते हैं। टोलेन रिएजेंट क्योंकि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, टोलेन रिएजेंट। इनटू कन्वर्ट किस हो रहा है, Ag प्लस और NH3 इज 6 इंटू 10 एस पावर माइनस 8, मतलब ये का वैल्यू आपके इतना दिया हुआ है। ओके, ये वाला कंपाउंड जब डिसोशिएट होता है Ag प्लस और NH3 में, उस समय डिसोशिएशन कांस्टेंट है वो 6 इंटू 10 एस पावर माइनस 8 है। कैलकुलेट E नॉट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन, ये एक हाफ रिएक्शन दी हुई by the reference data to given below, ये half reaction दी हुई है। इस reaction के लिए आपको electrode potential का value calculate करना है, ये half reaction दिया हुआ है। Ag NH3 dissociate किस में हो रहा है, Ag plus और 2 NH3 के अंदर dissociate होगा क्योंकि आपको dissociate किस में दे रहा है, Ag NH3 dissociate किस में हो रहा है, Ag plus और NH3। अपन को इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इसके अंदर दो स्टेप बन जाएगी क्योंकि यहाँ कौन है, Ag प्लस वन है। तो एक तो जब Ag प्लस वन मतलब ये कंपाउंड इसमें डिसोशिएट हो रहा है, एक दो स्टेप, और एक Ag प्लस खुद है जो डिसोशिएट होगा किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है, इसका मतलब दो स्टेप बनेंगे, नहीं बनेंगे दो स्टेप बनेंगे तो Ag की वैल्यू भी दो हाफ इक्वेशन में फाइंड करनी पड़ेगी और E नॉट की भी वैल्यू दो हाफ इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर दोनों को सेल इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये वाला कंपाउंड है आपको दिया हुआ, ये डिसोसिएट किस में हो रहा है, Ag प्लस और 2 NH3 में। क्वेश्चन को याद रखते जाओ, ये इसमें डिसोसिएट हो रहा है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये इतना दिया हुआ है, बराबर यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जब अपन को डेल जी का वैल्यू इसके लिए फाइंड करना है, इक्वेशन क्या लगा देंगे, डेल जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के -2.303 8.3 इनटू 298 केल्विन रूम टेंपरेचर इनटू लॉग 6 इनटू 10 एस पावर माइनस 8। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल जी का वैल्यू ये आएगा, डेल जी का वैल्यू 4.12 इंटू 10 एस पावर माइनस 4.12 इंटू 10 एस पावर 4 जूल, इसका आपके वैल्यू आएगा। इसका मतलब डेल जी का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, बट अब ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हुआ, ए जी प्लस में, जबकि यहाँ ये किस में कन्वर्ट हुआ ए जी में। और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या दिया, ए जी प्लस से ए जी में इतना वैल्यू दिया और ए नॉट का वैल्यू। तो Ag1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा, Ag में, Ag प्लस वन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा, Ag में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डेवलप हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डेवलप हुआ है, Dg इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस Nf नॉट, कितना इलेक्ट्रॉन लिया इसने, एक, तो n का वैल्यू कितना हो गया 1। F क्या है, कूलम्ब चार्ज 96500, और E नॉट का वैल्यू आपको यहां गिवन है, E नॉट की वैल्यू रख दी, आपके वैल्यू किसका आ गया, Dg2 का, डेल जी टू हो गया और ये डेल जी वन हो गया। जब अपन ये दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एक प्लस दो को ऐड करते हैं, तो ये वाली इक्वेशन आती ही नहीं आती, बताओ ये वाली इक्वेशन आती है। और अपन को इसी का ही फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका मतलब दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, गिब्स फ्री एनर्जी को ऐड कर दें, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी वन प्लस डेल जी टू, डेल जी वन आपने कैलकुलेट किया
किया कहां से, यहां से पढ़ा। और डेल जी टू आपने कैलकुलेट किया कहां से, यहां से पढ़ा लगा दिया। और ये डेल जी इक्वल टू माइनस क्या हो गया एन एफ ई नॉट बराबर, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी तो साइन तो कैंसिल हो जाएगा, आप फाइंड आउट क्या करना ई नॉट, तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको दिमाग लो, जो ये वैल्यू होगी 4.12 इनटू 10 एस और 4 माइनस 7.7 इनटू 10 एस और 4 अपॉन इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया इसने 1, तो 1 इनटू 96500 और ये माइनस का साइन बाद में कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना आंसर ये बराबर। इसमें सही मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैंने आपको दो एप्लीकेशन करा दी डेल जी के, दो एप्लीकेशन करवाए थे आपको नेक्स्ट इक्वेशन के, फिर अपन बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन के। थर्ड एप्लीकेशन के अंदर कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। एप्लीकेशन नंबर थर्ड, डिटरमिनेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम का निर्धारण कैसे किया जाता है उसकी आपको जांच करनी है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डीएल जी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, और डीएल जी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एन एफ ई नॉट, एन इज इक्वल टू क्या होगा इलेक्ट्रॉन, एफ इज इक्वल टू चार्ज, ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या आएगा आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन होगा, न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन होगा, E नॉट इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा E नॉट 2p प्लस E नॉट r की, भाई आपको ये वैल्यू दे रखी है ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल रिड्यूसिंग पोटेंशियल, तब तो आप E नॉट सेल क्या कर लो फाइंड कर लो। अब मान लो आपको op और rp नहीं दिया हुआ है, क्या थोड़ा और n नॉट का अलग-अलग दिया हुआ है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है भैया, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दे सकता है या फिर आपको वो इसमें क्या दे सकता है रिडक्शन पोटेंशियल दे सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल दे दे तो ई नॉट सेल निकाल लेना, ठीक है ना। ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एन नॉट, कब जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो। अब मान रिडक्शन पोटेंशियल के देखिए, मान लो सर आपको ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दे दे तो ऑक्सीडाइजिंग दे दे तो ई एन नॉट माइनस ई कैथोड कर लेना, जब आपको ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दे रखा हो। और जब ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन दोनों अलग अलग दे रखे हो तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि टोटल होगा वो उसका E not cell is equal to EOP plus ERP हो जाएगा बराबर। सही मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब देखो बहुत सीधी बात है, इसका वैल्यू यदि नेगेटिव हो गया तो डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव या प्रोसेस क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, इसलिए डेल ई का वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, डेल जी क्या होगा नेगेटिव होगा और प्रोसेस क्या होगा स्पॉन्टेनियस। ये तो जब ये काम कब आएंगे जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में डाटा कैलकुलेशंस में पता चलता है डाटा कैलकुलेशन क्या है। अपन यहां कुछ नहीं कह सकते, यहां तो कांसेप्ट है डाटा कैलकुलेशन देखना, तो आप इसके लिए क्या करो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़कर डीपीपी ले सकते हो, डीपीपी के डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, तो मैंने आपको तीन एप्लीकेशन करा दी न्यूमेरिकल बेस्ड है। थर्ड जो एप्लीकेशन है उसमें एंथैल्पी का डिटरमिनेशन किया जाता है, इसलिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन काम आती है। ओके, डिटरमिनेशन ऑफ द फोर्थ एप्लीकेशन, डिटरमिनेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ सेल रिएक्शन। एक आपको सेल रिएक्शन दी जाएगी, उसके लिए आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा एंथैल्पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार नीट में डायरेक्ट सेल की एफिशिएंसी का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। सेल की एफिशिएंसी क्वेश्चन क्या आएगा भाई, अपन एफिशिएंसी क्या होती है, अपनी खुद की एफिशिएंसी क्या है कि अपन ने कितना खाना खाया और उस खाने में खाना खाने के बाद अपन ने कितना वर्क किया, वही तो अपनी एफिशिएंसी होती है। तो सेल की एफिशिएंसी भी क्या होती है डीएलजी, तो क्या हुआ वर्क, और टोटल एंथैल्पी क्या हुई डीएलएच,
सेल की एफिशिएंसी भी अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान रखना ये नीट का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है। सेल की एफिशिएंसी, सेल की एफिशिएंसी मतलब सेल की दक्षता, दक्षता कैसे निकालेंगे, बेस के द्वारा किया गया वर्क अपॉन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो वर्क तो क्या था डेल जी और एंथैल्पी क्या थी डेल एच, तो ये इसकी क्या होगी एफिशिएंसी। उसने नीट में फार्मूला पूछा था, हमेशा ध्यान रखिए नीट के एग्जाम के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्पीड कितनी है और एक्यूरेसी कितनी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन टफ नहीं आते इजी आते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा था किसकी, डिटरमिनेशन ऑफ द एंथैल्पी, डिटरमिनेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ सेल कैलकुलेट द गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के बेस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये सर इक्वेशन क्या है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच प्लस टी चेंज माइनर चेंज ऑफ द डेल जी अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये आपके इक्वेशन है इसका गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ये क्या है, चेंज इन द एंथैल्पी। आपको वैसे एक इक्वेशन आई कहाँ से, आपको कोई मतलब नहीं कहाँ से, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न्स होते हैं उसमें आपको कभी भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिए। अब सर हम ये कहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये आप यहाँ से फाइंड कर लो, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ पी नॉट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये आएगा। सर ये कहाँ से फाइंड करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, ई सेल इज इक्वल टू ई ओ पी प्लस ई आर पी, या तो क्वेश्चन गिवन होगा डाटा पी नॉट का, या फिर आपको दो डाटा गिवन होंगे, ध्यान रखना इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बराबर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसको एंथैल्पी। आज से आज तक इसके क्वेश्चंस बहुत रेयर आए, कभी आए नहीं, बट मान लो आप भी तो सकते हैं क्या भरोसा, सिर्फ इसका क्वेश्चन आया वो एफिशिएंसी का क्वेश्चन आया कि सेल की एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं, उसके बेस पर फॉर्मूला आता है, तो वहाँ पर ऐसा आ जाए तो आपको एंथैल्पी गिवन होगी और डेल जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके डेल जी अपॉन डेल एच से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान रखना एफिशिएंसी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एफिशिएंसी के लिए डेल जी अपॉन डेल एच, इसका वैल्यू गिवन होगा, इसका वैल्यू माइनस एन एफ पी नॉट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चन करने के लिए आप अपने बुक से क्वेश्चन कीजिए या किसी भी कोचिंग का जो मटेरियल है वो कीजिए। ओके, तो आपको मैंने एप्लीकेशन कितने करवा दिए, चार एप्लीकेशन करवा दिए। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फाइव नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच, डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कौन सा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है उसका पीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये नीट हो चाहे जी मेन्स हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ बच्चे 12th क्लास का भी वीडियो देख रहे हैं, तो 12th क्लास में नर्नेस्ट इक्वेशंस की एप्लीकेशन नहीं आती, सीधा नर्नेस्ट इक्वेशन आती है उसको आपको डेरिवेशंस आते हैं वो आपको करने आने चाहिए। ठीक है ना, बट कॉम्पिटिशन्स के अंदर इनके एप्लीकेबल बेस इक्वेशन आती, डेरिवेशंस नहीं आते। ओके, अपन को पी एच को कैलकुलेट करना है, आपको पता होना चाहिए पी एच क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है, मतलब हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लॉगरिथम होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, पी एच कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन का पी एच निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे कंसेंट्रेशन ऑफ द एच प्लस आयन कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डिसोसिएट किसमें हुआ, एच प्लस में, और यहाँ से इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। ये मान लो एक सेल इक्वेशन है, हाफ सेल इक्वेशन, सेल इक्वेशन, क्योंकि आपको पीएच फाइंड करने के लिए किसी भी एसिड या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को मानना पड़ेगा, ऐसे आप एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन नहीं निकाल सकते। ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही होगी ना, ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट, क्योंकि अपन को तो कैलकुलेट किसका करना है, एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन का कैलकुलेशन करना है, बराबर।
अब जैसे मैंने मान लो आपकी इक्वेशन लिख दिया सेल इक्वेशन अर्नेस्ट अकॉर्डिंग ईओपी, देखो यहां ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको देखना क्या पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो ईओपी E0OP माइनस, आप वो भी इक्वेशन लगा सकते हो 0.303 अपॉन NFRT log ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस अपॉन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये भी लगा सकते हो। ये इक्वेशन है कि नहीं, कौन सी इक्वेशन है, नर्नेस इक्वेशन है, याद करो ये वाली इक्वेशन, जब ये इक्वेशन याद आएगी तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब इसको अपन इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करें, अपन को तो क्या चाहिए 0.059 अपॉन एन वाली वैल्यू चाहिए लॉग। अब देखो यहाँ ये कौन बन रहा है, H प्लस, तो ये H प्लस यानी कंसंट्रेशन होगी, अपॉन ये कौन है H2 गैस है, तो यहाँ पर H2 गैस है अपन को इसका पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस E0OP इज इक्वल टू EOP। बस यहाँ से आप क्या निकालो, H प्लस यानी कंसंट्रेशन निकालो, और H प्लस यानी कंसंट्रेशन निकाले काम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट कर दो आगे क्या आ जाएगी, pH आ जाएगी। बट ये आपको कैलकुलेशन करना है, इसके मोर से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करो, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैं आपको फॉर्मूला भी इस बात बता रहा हूँ, इस टाइप से फॉर्मूला पुट करना है और इसी टाइप से इसको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने आपको कितने एप्लीकेशन करवा दिए भाई, मैंने आपको एप्लीकेशन करवा दिए 5। नेक्स्ट एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन करना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, आपको ये पता नहीं है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 6th नंबर एप्लीकेशन, डिटरमिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलयता गुणनफल, विलयता गुणनफल जिसको आप बोल दो केएस, बराबर। जैसे मान लो एक कोई ये एम ए एक सॉलिड कंपाउंड है, इसका डिसोसिएशन हुआ, ये कन्वर्ट हो गया एम प्लस एन ए माइनस एन एक्वा सॉल्यूशन हुआ गया। इन आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, इन आयनों की कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही केएसपी होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो केएसपी इज इक्वल टू क्या हो गया, M प्लस आयन का कंसंट्रेशन का और A माइनस आयनी कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वही KSP है। आप इन चीज़ों को रटोगे नहीं, यदि आप इन चीज़ों को रटोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी, देखो M प्लस N, मान लो M प्लस N कोई एक आयन है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, M सॉलिड हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ मारी बात, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर इसका बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो, तो रिडक्शन होगा तो आप रिडक्शन के लिए फाइंड क्या करोगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल करोगे नहीं करोगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस 0.059 अपॉन एन एम सॉलिड अपॉन एम प्लस एन कंसंट्रेशन हुआ नहीं होगा। ये नर्नेस इक्वेशन है नहीं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो दिमाग लगा ध्यान सुनना, ई आर पी इज इक्वल टू ई आर पी नॉट प्लस 0.059 एन, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब एम प्लस एन को ऊपर ले गया और एम सॉलिड को नीचे ले गया, तो इसका मतलब यहां साइन आगे क्या आ गया, प्लस का आगे आ गया, मतलब मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड होता है, कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी मानी जाती है, एक यूनिट मानी जाती है। तो मैंने इसको लिख दिया ई आर पी इज इक्वल टू ई आर पी नॉट प्लस 0.059 अपॉन एन, यहाँ पर लॉग लिख देना है ना, लॉग लॉग, ओके लॉग एम प्लस एन और ये यूनिट ए होगा, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं मान लो इसको ए माइनस एन की सांद्रता से क्या करूँ, भाग दे दूँ और मल्टीप्लाई करूँ, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी सेम ही रहेगा, पर आपको पता होना चाहिए किसके इक्विवेलेंट होता है, केएसपी के, ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर।
n log ESP upon concentration of A minus one. कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है आप यहाँ से KSP को कैलकुलेट कर सकते हो। तो KSP के लिए आप यहाँ से फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते बराबर। यहाँ से खूब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूले पर खूब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसमें गलतियां होगी तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये मिटा रहा हूं भैया, जो आपके जो लास्ट में फॉर्मूला आया इस फॉर्मूले को आप इस पेज पर भी लिख सकते हो। कैसे? ये जो फॉर्मूला है मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे सर? देखो ERP is equal to E not RP बराबर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस 2.303 NF RT log KSP upon A minus N का concentration लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इस log को मैं, जैसे आपको पता होना चाहिए log M by N is equal to क्या हो गया, log M minus log N, तो इसको मैं इस form में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। देखो दिमाग लगाओ, E not RP plus 2.303 upon NF RT log, ये तो हो गया KSP, minus क्या हो जाएगा 2.303 NF RT log concentration of A minus N। तो बच्चे कहेंगे सर ये वैल्यू यहाँ कहाँ आ गई? अरे तो ये वैल्यू तो फिर आगे जाएगी ना, कि कॉमन ले सकते हो। तो आप देखो आप इसको कॉमन भी ले सकते हो, ERP plus 2.303 NF RT को मैंने कॉमन ले लिया और log KSP माइनस log A माइनस N का कंसंट्रेशन। अब चाहिए इस स्टेप को यूं लिखो, चाहिए इस स्टेप कैसे लिखो, दोनों स्टेप एक ही है। इससे भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ हाँ, इसका वैल्यू आपने क्या कर दे, मान लो इसका वैल्यू A माइनस N का कंसंट्रेशन वन दे दे, वन दे दे तो log वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। इफ मान लो मैंने क्या बोला, इफ आपको ए माइनस एन का कंसंट्रेशन कितना देते हैं, एक दे दी, तो आपके क्या हो जाएगा, ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी प्लस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ये लॉग क्या हो गया, के एस पी। यहाँ से भी आप के एस पी का कैलकुलेशन कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। मान लो सर आपको ये गिवन नहीं हो, तो ये गिवन कैसे नहीं होगा, गिवन तो हो ही होगा। अब मान लो कि सर मान लो आर पी नहीं हो, तो तब भी कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ से ई सेल भी फाइंड कर सकते हो। E cell is equal to E not cell plus 2.303 RT upon NF, log क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा, ठीक है ना, minus log A minus N हो जाएगा। यहाँ से भी आप E not cell कैसे जाएगा, EOP और ERP हो जाएगा, बराबर। मतलब आपको calculations को, formula को कैसे put up करना है, वो important चीज़ है, ध्यान रखना, अन्यथा problems create हो जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमको तो सीधा सीधा वो डायरेक्ट फॉर्मूले बता दो ना, तो कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मान लो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, तो फिर ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ई सेल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 एन अपॉन लॉग के एस पी, उससे भी इसमें फाइंड कर सकते हो। देखो मैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 एन लॉग के एस पी। ये डिपेंड करता है कि आपके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप का है। मैं आपको बता रहा हूँ के एस पी को कैलकुलेट कैसे करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ऐड हो सकते हैं 9982511555 पर आप ऐड हो जाइए, तो आपको डीपी भी मिल जाएगी, ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे पॉइंट की, जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया उस पॉइंट की, ओके ठीक है। तो मैंने आपको नर्नेस इक्वेशन करवा दिया, कल अपन कंडक्टेंस की बात करेंगे, है ना, चालकता तथा उसके प्रकार की बात करेंगे, मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको नर्नेस इक्वेशंस पढ़ाए थे और इसके एप्लीकेशन पढ़ाए हैं, और मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बैटरीज नहीं पढ़ाई, ओके बेटा, थैंक यू।